आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होता है। दान, पूजा और अन्य उपाय के लिए इस दिन ज्योतिष शास्त्र के कुछ विशेष उपाय हैं जो आपके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर देंगे। तो आइए इनके बारे में जान। अमावस्या के दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। तो इस दिन भोजन कराएं गरीब ब्राह्मणों को या किसी भी गरीब प्राणी को, तो उसे आपको बहुत ही लाभ होगा। और अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं। गोलियां बनाते समय भगवान का नाम लेते रहें। इसके बाद समीप स्थित किसी तालाब या नदी में जाकर ये आटे की गोलियां मछली को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन की अनेक परेशानियों का अंत हो सकता है। अमावस्या में शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही आसान उपाय है। और अमावस्या वाली रात्रि को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती नदी के पानी में छोड़े। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग बनते हैं। अमावस्या के दिन काली चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाएं। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होंगे। इस दिन काल सर दोष निवारण हेतु तो सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नागिन की पूजा करें। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। इसके साथ जिसे काल सर्प दोष हो, उन व्यक्तियों को अमावस्या के दिन किसी अच्छे पंडित से अपने घर में शिव पूजन एवं हवन करवाना चाहिए। अमावस्या की रात्रि में अगर आप काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाते हैं और उसी समय वो कुत्ता ये रोटी खा लेता है, तो इस उपाय से आपके सभी दुश्मन उसी समय से शांत होना शुरू हो जाएंगे। और इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके सेवन से आपके शरीर और भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि इससे पितर नाराज होते हैं। और बेरोजगार व्यक्ति अगर अमावस्या की रात में ये उपाय करे तो निश्चित ही उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। इसके लिए एक नींबू को साफ करके सुबह से ही अपने घर के मंदिर में रख दें। फिर रात के समय इसे 7 बार बेरोजगार व्यक्ति के सिर से उतार लें और 4 बराबर भागों में काट लें। फिर एक चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसको फेंक दें। इस उपाय से बेरोजगार व्यक्ति को लाभ की संभावना बनेगी और रोजगार की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। इस पोस्ट से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।